नमः शिवाय। आपका हमारे चैनल भक्ति गाथा पर स्वागत है। श्रावण मास में हम आपको प्रतिदिन श्रावण मास महात्म्य का एक अध्याय सुनाएंगे। श्रावण मास भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। इस मास में जो कोई भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है तथा कथा सुनता है, उसके ऊपर भगवान शिव की सदैव कृपा रहती है। तो आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य का 12वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मा पुत्र, अब मैं स्वर्ण गौरी का शुभ व्रत कहूंगा। यह व्रत श्रावण मास में शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को होता है। इस दिन प्रातः काल स्नान करके नित्य कर्म करने के बाद संकल्प करें और 16 उपचारों से पार्वती तथा शंकर जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे देवादेव, आइए, हे जगतपते, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हे सूर सत्तम, मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें। इस दिन भवानी पार्वती की प्रसन्नता और व्रत की पूर्णता के लिए दंपतियों को 16 वायन प्रदान करें और द्विज श्रेष्ठ की प्रसन्नता के लिए मैं यह वायन प्रदान करता हूँ। ऐसा कहें, चावल के चूड़ के 16 पकवानों से 16 बांस की टोकरियों को भरकर तथा उन्हें वस्त्र आदि से युक्त करें और पुनः 16 द्विज दंपतियों को बुलाकर इस प्रकार कहते हुए प्रदान करें, व्रत की संपूर्णता के लिए मैं ब्राह्मणों को यह प्रदान कर रहा हूँ। मेरे कार्य की समृद्धि के लिए सुंदर अलंकारों से विभूषित तथा पतिव्रत्य से सुशोभित ये शोभामय सुहागिन स्त्रियां इन्हें ग्रहण करें। इस प्रकार 16 वर्ष अथवा 8 वर्ष या 4 वर्ष या 1 वर्ष तक इस व्रत को करके शीघ्र ही इसका उद्यापन कर देना चाहिए। पूजा के अनंतर कथा का श्रवण करके वाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। सनत कुमार बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया और इसका महात्म्य क्या है और इसका उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, वह सब आप मुझे बताएं। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपसे समस्त मनुष्यों को सभी संपदाएं प्रदान करने वाली स्वर्ण गौरी नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर सुविला नामक विशाल पुरी थी। उस नगरी में कुबेर के समान चंद्रप्रभ नामक एक राजा था। उस राजा की रूप लावण्य से संपन्न, सौंदर्य तथा मंद मुस्कान से युक्त और कमल के समान नेत्रों वाली महादेवी और विशाला नामक दो भार्याएं थीं। उन दोनों में ज्येष्ठ महादेवी नामक भार्या राजा को अधिक प्रिय थी। आखेट करने में आसक्त मन वाले वे राजा किसी समय वन में गए और सिंहों, शार्दूलों, शुक्रों, वन्य भैंसों तथा हाथियों को मारकर प्यास से आकुल होकर उस घोर वन में इधर उधर भ्रमण करते रहे। राजा ने उस वन में चकवा चकवी तथा बत्तकों से युक्त भ्रमरों तथा पिकों से समन्वित और विकसित मल्लिका, चमेली, कुमुद तथा कमल से सुशोभित अप्सराओं का एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर के तट पर आकर उसका जल पीकर राजा ने भक्ति पूर्वक गौरी का पूजन करती हुई अप्सराओं को देखा। तब कमल के समान नेत्रों वाले राजा ने उनसे पूछा, आप लोग यह क्या कर रही हैं?
ईश्वर उन सब ने कहा, हम लोग स्वर्ण गौरी नामक उत्तम व्रत कर रही हैं। यह व्रत मनुष्यों को सभी संपदाएं प्रदान करने वाला है। हे नृपश्रेष्ठ, आप भी इस व्रत को कीजिए। राजा बोले, इसका विधान क्या है और इसका फल क्या है, मुझे यह सब विस्तार से बताएं। तब वे सारी स्त्रियां बताने लगी, हे राजन, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस व्रत में भक्ति पूर्वक अत्यंत प्रसन्नता के साथ पार्वती तथा शिव की पूजा करनी चाहिए। पुरुष को 16 तारों वाला एक डोरा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में या गले में इस डोरे को बांधना चाहिए। यह सब सुनने के बाद संयत चित वाले राजा ने भी उस व्रत को संपन्न करके 16 धागों से युक्त डोरे को अपने दाहिने हाथ में बांध लिया। उन्होंने कहा, हे देव दिवेश, मैं इस डोरे को बांधता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मेरा कल्याण करें। इस प्रकार देवी का व्रत करके वे अपने घर आ गए। राजा के हाथ में डोरा देखकर ज्येष्ठ रानी महादेवी ने पूछा और सारी बात सुनकर वह राजा के ऊपर अत्यंत कुपित हो उठी। राजा ने कहा, ऐसा मत करो, मत करो। लेकिन रानी ने उस डोरे को तोड़कर बाहर एक सूखे पेड़ के ऊपर फेंक दिया। उस डोरे के स्पर्श मात्र से वह वृक्ष पल्लवों से युक्त हो गया। उसके बाद उसे देखकर दूसरी रानी भी आश्चर्यचकित हो उठी और उस वृक्ष पर स्थित टूटे हुए डोरे को उसने अपने बाएं हाथ में बांध लिया। उसी समय से उसके व्रत के महात्म्य से वह रानी राजा के लिए अत्यंत प्रिय हो गई। वह ज्येष्ठ रानी व्रत के अपचार के कारण राजा से त्यक्त होकर दुखित हो वन में चली गई। अपने मन में वह भगवती देवी का ध्यान करते हुए मुनियों के पवित्र आश्रम में निवास करने लगी। कहीं कहीं श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा यह कहकर आश्रम में रहने से रोक दी जाती थी कि हे पापिन, अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से चली जाओ। इस प्रकार घोर वन में इधर उधर भ्रमण करती हुई वह अत्यंत खिन्न होकर एक स्थान पर बैठ गई। तब उसके ऊपर कृपा करके देवी उसके समक्ष प्रकट हो गई। उन्हें देखकर वह रानी भूमि पर दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्तों को बर देने वाली, आपकी जय हो। शंकर के बाम भाग में विराजने वाली, आपकी जय हो। हे मंगल मंगल्ले, आपकी जय हो। तब देवी की भक्ति के द्वारा वरदान प्राप्त करके और उन गौरी की अर्चना करके उसने जो व्रत किया, उसके प्रभाव से रानी के पति उसे घर ले आए। उसके बाद देवी की कृपा से उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। राजा सभी समृद्धियों से संपन्न होकर उन दोनों के साथ पूर्ण रूप से राज्य करने लगे। अंत में राजा ने उन दोनों रानियों सहित शिव पद को प्राप्त किया। जो स्वर्ण गौरी के इस उत्तम व्रत को करता है वह मेरा तथा गौरी का अत्यंत प्रिय होता है और विपुल लक्ष्मी प्राप्त करके तथा भूलोक में शत्रु समूह को पराजित कर शिव जी के विशुद्ध लोक को जाता है। हे सनत कुमार, अब आप दत्त चित्त होकर इस व्रत के उद्यापन की विधि सुनिए। चंद्रमा तथा तारा बल से युक्त शुभ तिथि तथा शुभ वार में एक मंडप बनाकर उसके मध्य में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य रखकर
उस पर एक कुंभ स्थापित करें, पुनः उसके ऊपर 16 पल प्रमार का बना हुआ एक तिल पूरी ताम्रमय पूर्ण पात्र रखें और उस पर पार्वती शंकर की 2 प्रतिमाएं स्थापित करें। शिव जी की प्रतिमा श्वेत वर्ण के 2 वस्त्रों तथा शुक्ल वर्ण के यज्ञोपवीत से सुशोभित हो। उसके बाद वेदोक्त मंत्रों से विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करें और भली भांति पूजा करके रात्रि में जागरण करें। इसके अनंतर प्रातः काल पूजा करने के बाद होम करें। सर्वप्रथम ग्रह होम करके प्रधान होम करें। हवन के लिए यव मिश्रित तेल घृत से पूर्ण रूप से सशक्त होना चाहिए। 1000 अथवा 100 आहुति डालनी चाहिए। उसके बाद वस्त्र अलंकार तथा गौ के द्वारा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, साथ ही 16 दंपतियों को भी भोजन कराना चाहिए। अपने द्रव्य सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भूयसी दक्षिणा देनी चाहिए। अंत में हर्षोल्लास से युक्त होकर बंधु जनों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में तृतीया में स्वर गौरी व्रत कथन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ।